मैंने 27 अगस्त को मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सभा थी, उसमें मैंने हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाया था कि ये भ्रष्ट हैं और इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। इस आरोप के बाद मुझे नोटिस दिया गया अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। मुझे वो नोटिस 4 सितंबर को मिला और मैंने कुछ सामग्री एकत्र करने में टाइम लिया और कल मैंने उसमें भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा इनके बारे में। तो कल मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से उत्तर भी भेज दिया और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तर भेज दिया। उसमें मैंने 7 आरोप उन पर लगाए। पहला आरोप तो ये कि ये उद्योग विभाग में नौकरी करते थे, अफसर थे और बाड़मेर में PDB थे, प्रोजेक्ट रिपोर्टर अफसर डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए थे जिसकी शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई थी। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ, विभिन्न विभागों से जो लिए जाते हैं IAS उसमें इनका प्रमोशन हो गया, चयन हो गया, लेकिन इनके खिलाफ किसी ने शिकायत की केंद्रीय लोक सेवा आयोग को कि साहब इनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में, इसलिए इनका प्रमोशन रोका जाए। इस पर प्रमोशन रोका गया, लेकिन वही जैसा अपने व्यवस्था है, सिफारिश कर दी और सिफारिश से वो सारी जो है भ्रष्टाचार के आरोप ड्रॉप कर दिए गए और फिर उनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद भी आदत तो इनकी भ्रष्टाचार करने की थी। ये जब कलेक्टर थे तो कलेक्टर थे तब इन्होंने फौजी विधवाओं के लिए आरक्षित थी जमीन, उस जमीन को इन्होंने फौजी विधवाओं के अलावा जो गैर पात्र थे उन गैर पात्रों को उस अलॉट कर दिया रिश्वत खाका करके। इस पर एक श्रीमान हाकिम अली जी ने FIR दी। FIR के बाद प्रेलिमिनरी जांच हुई। सामान्यतः हमारे यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो सूचना जाती है उसकी एक प्राथमिक जांच करते हैं, तो उस FIR की प्राथमिक जांच हुई और उस प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन दोषी पाए गए उनमें एक श्री अर्जुन लाल मेघवाल, तत्काल जिला कलेक्टर चुरू हाल लोकसभा सदस्य बीकानेर, श्री जवाहरलाल आर्य कार्यालय सहायक कार्यालय निर्वाचन कलेक्टर चुरू, तीसरा श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री देवचंद जाति मेघवाल कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला कलेक्टर चुरू, एंड डॉक्टर HN गौरी पुत्र श्री नियाजुल है गौरी निवासी हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन फिजिशियन राजकीय BDB जनरल जिला अस्पताल चुरू की पहचान की गई। इन चार को अभियुक्त मान करके और जांच चालू की गई और जांच चली, लेकिन इस जांच को होने के बाद अर्जुन लाल जी मेघवाल ने ये जांच दबा दी और FIR लगवा दी। फाइनल रिपोर्ट जब गई, उस फाइनल रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट ने देखा सेशन जज ने, तो वह उनकी इस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ और संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने उसे कुछ कमेंट्स के साथ जो इसमें दिए मैंने अपने पत्र में विस्तार से, आपको इसमें विस्तार से यह भी बोल सकता हूँ, कुछ कमेंट्स के बाद वापस भेज दी जांच को और FIR स्वीकार नहीं हुई। दूसरी बार फिर जांच हुई, फिर इनके दबाव से फिर जो है फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव, मतलब वही FIR जिसको कहते हैं, वो पेश हुई। उसको देख करके सेशन जज ने बड़ा गुस्सा बताया और स्पष्ट कहा इस बार इस केस में हेरा फेरी हो रही है, दबाव से काम लिया जा रहा है, और उन्होंने फिर से वो जो है
फाइनल रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने वापस पत्रावली भेज दी। ये जो आदेश हुआ, इस आदेश पर अर्जुन राम जी मेघवाल हाईकोर्ट में गए, और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि एफआईआर भी और ये जो एफआईआर पेश हुई है इन दोनों को निरस्त किया जाए। ये आदेश हुए थे जुलाई में, जुलाई 14 में, और आपको आश्चर्य होगा कि जुलाई 14 के बाद एक के बाद पेशी दर पेशी पड़ती जा रही है और आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ये प्रकरण पहला है।